उज्जैन में दलित समाज और पटेल समाज में हुआ टकराव, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को तोड़ा गया, पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर मामला सुलझाया। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुलडोजर न्याय के लिए प्रख्यात हो चुका मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, पूर्व की शिवराज सिंह चौहान सरकार या मौजूदा मोहन यादव सरकार, कोई भी भाजपा की सरकार हो, वो बुलडोजर इंसाफ के लिए अब पूरी दुनिया में जानी जाने लगी है। बुधवार 24 जनवरी को उज्जैन के मागदौन परिसर में एक जमीन पर कुछ विवाद पहले से चल रहा था, तो बुधवार शाम को यहां पर पाटीदार पटेल समाज द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया, जिसका विरोध दलितों ने किया। दलित समाज, खास करके ऐसा बताया जाता है कि भीम आर्मी के इसमें कार्यकर्ता ज्यादा थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद ट्रैक्टर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष की मूर्ति को तोड़ दिया। इसके तमाम वीडियो सामने आए हैं, फिर टकराव हुआ है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, मारपीट हुई है, ये तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। अंत में पुलिस ने इसमें किसी भी तरह की कोई भी मुकदमा दर्ज करने की या शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई न करते हुए, आरोपियों को गिरफ्तार न करते हुए और सरकार तथा जिला प्रशासन ने किसी भी तरह का बुलडोजर चलाए बगैर पाटीदार समाज और दलित समाज दोनों में ही समझौता करवा दिया। विवाद कुछ इस प्रकार से कि मागडोन बस अड्डे के पास, जो उज्जैन के करीब पड़ता है, यहां पर बुधवार को पटेल पाटीदार समाज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी, जबकि दलित समाज की मांग थी कि यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए, और उसी के विरोध के चलते बाद में ये सारा बवाल हुआ और टकराव हुआ। मगर पुलिस की भूमिका चर्चा का विषय बनी हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आरोपी कोई विशिष्ट समुदाय से है या कोई विशिष्ट पहचान रखने वाला है, जैसे पहचानने की एक निर्देशावली बनाई गई है, एक सांकेतिक उसके रूल कायम किए गए हैं, तो उसके तहत अगर कोई होता तो फौरन दूसरे ही दिन बुलडोजर चल जाता। मगर यहां पर पुलिस ने बुलडोजर चलाना या प्रशासन ने बुलडोजर चलाना तो बहुत दूर है, लेकिन दोनों समाजों में बैठा करके बातचीत कराई, शांतिपूर्ण समझौता कराया और मामले को रफा दफा कर लिया। मूर्ति घंटे तो इसी ने होंगे वही ना Thank you.